दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले IBPS PU mains रिजल्ट के बारे में। तो जो रिजल्ट है वो कब तक रिलीज किया जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम क्या रहेगा, डाउनलोडिंग का प्रोसेस समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा है वीडियो में, तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर आए हैं तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई अपडेट मिस ना हो। तो सिंपली बढ़ेंगे आगे वीडियो की तरफ। दोस्तों बात करें जो आपका IBPS PU mains का जो रिजल्ट एग्जाम है वो फिलहाल 5 नवंबर को कंडक्ट किया गया था। रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी फरवरी में है इन द सेकंड वीक, क्योंकि जो हिंदुस्तान टाइम्स और जो बड़ी वेबसाइट्स हैं और जी न्यूज़ वगैरह उस तरफ पर जो ज़्यादातर रिजल्ट्स के अपडेट आते हैं वो मंथ के मिड पर आते हैं या मंथ के लास्ट वीक में। तो फरवरी का सेकंड वीक कह रहे हैं, बाकी एक दो आर्टिकल मिल जाएंगे। ये आर्टिकल शॉर्ट है तो फिलहाल इसमें दे देता हूँ। बाकी 5 नवंबर को एग्जाम कंडक्ट किया गया था तो अराउंड फरवरी का सेकंड वीक कह रहे हैं। और बाकी ऑथेंटिक नहीं है, सबसे बेहतर तो यही रहेगा कि आप पुराने आर्टिकल चेक कर लें लास्ट 2 या 3 ईयर्स की, उसमें एग्जैक्ट डेट लिखी होगी, एग्जाम कब कंडक्ट किया था और रिजल्ट कब आया था, दोनों के डिफरेंस है पता लग जाएगा टाइम कितना लगा था या फिर रिजल्ट को आने में। बाकी उसके जो स्टेप्स हैं आपको दिख रहे होंगे, डाउनलोड कैसे करना होगा। ये पूरा आर्टिकल जो है ये IBPS.in एक वेबसाइट है, उस पर सिमिलर वेबसाइट है IBPS.in के नाम से, बाकी उस पर जगह चेक कर लीजिएगा। और CareerPower.in और adda247.com इस तरह की 2-4 वेबसाइट और हैं, उस पर भी आप डिटेल आर्टिकल चेक कर पाएंगे। डाउनलोड के स्टेप और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दे रखी होगी कट ऑफ के बारे में। डाउनलोड के स्टेप दिख रहे होंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, होम पेज पर आपको रिजल्ट की टैब में जाकर मिलेगा, बाकी तो होम पेज पर ही बनी हुई टैब, या फिर हो सकता है आपको वहाँ पर मिल जाए जो लेटर न्यूज सेक्शन होता है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन करना होगा यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, और फाइनल लॉगिन के बाद आपका रिजल्ट हो जाएगा स्क्रीन पर। थैंक यू।